केवल टेरेस गार्डन है, केवल दिखावे के लिए नहीं है, ये समझिए कि आपके जीवन से जुड़ा एक कहानी है, एक कथा है, एक वस्तु है, एक आपके लिए प्राणवायु के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ देवांशु। आज हम फिर आपको एक टेरेस गार्डन घुमाने आए हैं जो कि प्रहलाद वर्मा का, बेसिकली यही आज टेरेस गार्डन घुमाएंगे और यही बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी से जुड़े हुए हुए हैं। दिखाइए अपना गार्डन और कब से ये सब शौक लगा, पूरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। ये पिछले 4-5 सालों से मैंने इसकी शुरुआत की। होता क्या था कि बेसिकली अगल बगल में कोई पार्क है नहीं, पार्क के लिए हम लोग को बहुत दूर इको पार्क और कहीं जाना पड़ता था। हाँ। तो सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए, हाँ, प्राणवायु के लिए, शुद्ध हवा के लिए, हाँ, तो ये कुछ गार्डनिंग की आवश्यकता थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना घर के ऊपर ही बना ले, छत के ऊपर ही बना लिया जाए, नीचे घर भी ठंडा रहेगा और हमको शुद्ध वायु भी, शुद्ध वातावरण भी, पेड़ पौधा के साथ भी मिल जाएगा। और थोड़ा सा अब एज के हिसाब से कुछ कुछ खुद से भी काम करने लगे हैं। हाँ। खुद से काम करने से होता है कि हमारा हाथ पैर भी ठीक ठाक रहेगा, कुछ हल्का फुल्का व्यायाम भी हो जाता है और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक घूमना भी हो जाता है, सेहत भी ठीक ठाक रहेगा। अभी से ही ये गुलदावरी आपने लगा दिया है? जी थंड, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने जो इसका जो मदर प्लांट था जो पिछले साल का, उसको तोड़ तोड़ करके मैंने लगा दिया है, क्योंकि ये अच्छा इसमें और निकलेगा। और अभी लगाएंगे तब 2 महीने बाद, लगभग 2.5 महीने बाद ये तैयार हो जाएगा और नवंबर एंड से ये जनवरी तक लगातार रहेगा। इसमें कई वैरायटी का है, वाइट भी है, कलर्ड भी है, 3-4 तरह का है। और ये सब कड़ी पत्ता है? हाँ, ये सब कड़ी पत्ता तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, मसालेदार चीज़ है, खाना का जायका बढ़ाता है। हाँ। हेल्थ भी बढ़ाता है। ये सब अच्छा है। और इसके अलावा क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए। इसके अलावा मुझे एक चीज़ मिर्ची दिख रही है। हाँ, ये मिर्ची क्या है कि डेली यूज का है, तो ज़्यादा नहीं, एक आध पीस हम लोग इसमें से डेली इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये दो पेड़ से मेरा घर का काम चल जाता है, मिर्ची हम मुझे खरीदनी नहीं पड़ती है, ये है इसका फायदा। और ये ग्रीनरी भी है, हरा भरा भी है, अच्छा भी लगता है। और सबसे मुझे ये लग रहा है कि आपने ज़्यादातर गार्डनिंग जो की है वो थर्माकोल वाले गत्ते में ही कर रखा है। हाँ, थर्माकोल वाले इसलिए किया कि इसमें वजन नहीं होता है, इसमें वजन नहीं होता है और छत की जो गर्मी है वो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं लगती है। अगर सीमेंट का गमला लेते हैं या और किसी का गमला लेते हैं, तो दोपहर में छत जब गर्म होती है तो उस समय क्या होता है कि छत गर्म तो मिट्टी भी गर्म, गमला भी गर्म। और ये थर्माकोल का ये ज़बरदस्त फायदा है कि आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ता है, पानी सूखता कम है। ये नींबू है ना सर? ये छोटा वाला नींबू है जिसको कि कागी नींबू बोलते हैं, उस तरफ भी है वो बड़ा वाला घघरा वाला नींबू भी है, लेकिन ये हुआ कभी ये छोटा वाला, ये इस बार थोड़ा सा छोटा है, कुछ और इसमें कुछ खाद की आवश्यकता है। पिछले साल कुछ फला था, इस साल भी आएगा। पिछले साल इनका नींबू जो हुआ, देखिए गार्डनिंग के फायदे बता रहे हैं प्रहलाद जी। और चलिए और भी हम घूमते हैं इनके पास। एक चीज़ और दिख रहा है कि पपीते से लगता है आपको खूब लगाव है। हाँ। बहुत सारे पपीते हैं आपके पास। पपीता हम लोग लगातार, एक खत्म होता है तो दूसरा लगाते जाते हैं। हाँ। पपीता थोड़ा सा अच्छा होता है। हाँ। अच्छा साइज का मिल जाता है, 1/2 किलो, 1.25 किलो का एक पपीता यहाँ मिल जाता है। हो जाता है जी, हो जाता है। और ये फूल ये गंधराज है, पूजा पाठ के लिए है। अपराजिता है, ब्लू वाला फूल। ये आम लगा, आम का है, ये आम का है कि ये गमले में ही फलेगा। हाँ। पिछले साल फला था, इस साल भी था, 2-4 था, और अगले साल इसके जब जब ये जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा इसमें फलों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, ये लगता है 12 मासी। जी, जी जी। और जी, कह रहे थे कि हुआ था, कितना हुआ था पिछले साल? 4 हुआ था। 4 ही हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल 8-10-20 कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी छोटा पौधा है तो उसी हिसाब से अपने ताकत के हिसाब से ये इसका ग्रोथ हो रहा है। और इससे वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, जब जी में स्टोन हो जाता है तो इसका जूस हाँ, बहुत 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 सुंदर होता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन हाँ। हल्दी का पेड़ कहीं नहीं देखा होगा, बहुत मुश्किल से ये हल्दी का पेड़ है। अच्छा, कहते हैं कि हल्दी जब एक बार लगाना होता है तो आपको 10-12 साल लगाना होता है। हमने इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
हर साल। और एक पेड़ से जब इसका जब हम लोग जब निकालते हैं तो लगभग आधा किलो या पौना किलो हल्दी एक पेड़ से निकल जाता है। कितना, एक साल बाद? हाँ, मान लीजिए आज लगाया तो एक साल आज लगाया तो लगभग 7-8 महीने बाद। इधर अनार, ये अनार है, ये अनार भी अपनी ताकत के अनुसार जितनी मिट्टी है उसके अनुसार ये फलता है। देखिए ये यहाँ लगा हुआ है अनार आज भी, थोड़ा कम संख्या में लगता है लेकिन आता है। ये इस साल अमरूद भी फला था, ये छोटे साइज का बोन साइज वाला ही है जो कि गमले में ही फलता है और आराम से फलता है। इस साल इसमें से लगभग हम लोगों ने 1.5-2 किलो इसको निकाले थे फ्रूट को। देखिए 1.5-2 किलो और 4 आम ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन एक उमंग होता है, उमंग होता है कि अपने बाग बगीचे से एक फल भी खाए तो आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि हमारा, मैंने मेरे द्वारा उगाया हुआ है, मेरे द्वारा मेहनत किया गया है। एक एक किसान के रूप में कहिए, एक आदमी के रूप में कहिए, इंसान के रूप में कहिए, लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है। और ये सब तो फूल है शायद, ये सब है, हाँ चंपा ऐसा कुछ है, हाँ। इसमें भी और आता ये है फूल। सब्जी है ये, वो लग रहा ये सेम, सेम है, हाँ, ये सेम है। ये जब इसका सीजन अभी आएगा कुछ दिनों में तो ये सेम तो इतना हम लोग इसमें फैलता है कि लोगों को बांटना ही पड़ता है क्योंकि वो गुच्छे गुच्छे में आता है। आम, फिर आम, ये छोटा फिर आम लगाए हैं हम, ये जब बड़ा होगा तो भी कुछ फल देगा। देखिए फल फूल सब्जी सब कुछ है इनके पास, कॉम्बिनेशन है। कहते हैं कि प्रकृति जो है वो डाइवर्सिटी की चीज़ है और ये उन्होंने एक तरह से छत पर डाइवर्सिटी, ये वो है उड़हुल है आपका, ये बैगन है, बैगन भी लगा रखा है, भी कुछ लगाया है। देखिए इसमें फूल आया है, कुछ निकलेगा, जो निकलेगा उसी में मज़ा आता है, आनंद आता है, संतुष्टि आती है। आपने मुझसे झूठ बोला था, मैंने आपसे फ़ोन किया था तो कहा कि मैं उतना गार्डनिंग नहीं करता हूँ, ये सब कुछ गार्डनिंग है भाई जी का। बस छोटा मोटा बगिया है। और ये लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास है, इसका हम लोग चाय पीते हैं, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छा लगता है। कैसे बनाते हैं? स्वाद भी अच्छा। इसको बस केवल पानी में उबाल दीजिए, अगर आपको मन है तो चीनी डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा। ये भी मैंगो है इधर, करेली, इधर करेली का लतर खुद से चढ़ गया है। एक बार मैंने करेली लगाया था लेकिन करेली का साइज छोटा होता है, लेकिन करेली का भुंजिया मुझे बहुत पसंद है इसलिए इसको हम पेड़ को हटाते नहीं है, जो आता है उसी को आनंद से खाते हैं। अच्छा, और ये सब देखिए बरगद बोनसाई, हाँ, पूजा पाठ के लिए, ये पूजा पाठ के लिए लगा दिया है, ये काफ़ी पुराना मुझे लग रहा है ये। हाँ, ये बरगद लगभग 4 से 5 साल हो गया है। अच्छा। क्योंकि इसको मिट्टी सीमित मात्रा में मिलती है, हाँ, इसलिए इसका साइज नहीं बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, इसको मैंने प्लास्टिक में लगाया है, हाँ। अगर मैं इसको लगाता मिट्टी में तो वो जड़ उसको फाड़ देता। अच्छा, वो ड्रम में बहुत सारे ये बेस्ट इससे कुछ करते हैं, हाँ, क्या यूज करते हैं ये बता दीजिए। ये जो बेस्ट है, हमने जो भी इसका पत्ता निकला, वेस्टेज पत्ता, सूखा पत्ता, इसको हम फेंकते नहीं हैं, इसको अब रिसाइकिल करके, इसको गला करके, इसमें कुछ हम लोग इसमें करते हैं, कुछ दही का पानी डाल देते हैं या गुड़ का पानी डाल देते हैं और इसको एक बड़ा सा ड्रम है वहाँ, उसमें हम उसको अब हम लोग डालेंगे और उसमें डाल करके इसका हम लोग खाद तैयार कर देंगे। तो इस हम लोग खाद बाहर से लेते नहीं हैं, मतलब केमिकल वाला नहीं लेते हैं, इसी को रिसाइकिल करके हम लोग इसका खाद तैयार कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, पत्ते से ही, पत्ते से ही उसका खाद तैयार हो जाता है। बाहर से केवल हम लेते हैं नीम की खली, नीम की खली, हाँ, नीम की खली और एक सरसों वाली खली आती है, बाकी नो केमिकल, कोई केमिकल नहीं। चलिए कुछ सब्जियां जो हैं वो तुरई, निनुआ जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, लटकी हुई है, शानदार जानदार। ये देखिए विजुअल्स, देखिए आप, मज़ा लीजिए। छत पे उगाई गई हैं सब्जियां हैं और निनुआ के नीचे जो है वो पपीते का पौधा, पपीते का पौधा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये संभवतः इसी में लगाया गया है, इस ड्रम में, हाँ, हाँ, इसी ड्रम में है ये, हाँ, इसी ड्रम में है, इसमें निनुआ भी है और सेम भी है। और देखिए पपीते के काफी शौक रखते हैं, करीब लगता है 6-7 पपीता है। तो पपीता कब कब फलता, कितना फलता है? पपीता लगभग कभी ये पेड़ में आ गया, कभी इस पेड़ में आ गया, अभी फिलहाल देखिए इसमें आ गया है, हाँ। अभी इसमें देखा जाए, अभी इसमें आ गया है, हाँ। तो ये है कि 1 महीने में तैयार हो जाएगा, हाँ। फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा वाला हो जाएगा, हाँ। ऐसे
लगातार चलता रहता है। चलिए, प्रहलाद जी का ये टेरेस गार्डन जो है वो पटना के जकनपुर में इलाके में है और हमने आपको ये टेरेस गार्डन दिखाया। क्या टिप्स देंगे जो करना चाहते हैं या डिले हो रहा है, या आपकी तरफ से ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है? जो लोग सोच रहे हैं कि हम करेंगे वो आज से ही शुरू कर दें। ये केवल टेरेस गार्डन है, केवल दिखावे के लिए नहीं है, ये समझिए कि आपके जीवन से जुड़ा एक कहानी है, एक कथा है, एक वस्तु है, एक आपके लिए प्राणवायु के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप बाहर में जाते हैं जाकर टहलते हैं, उससे अच्छा है कि आप घर में ही गार्डनिंग करके आप सुरक्षित रह सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, प्राणवायु ले सकते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, सुबह शाम व्यायाम कर सकते हैं, यही इसका लाभ है। और जैसे कि आपने फल भी लगाया है, सब्जियां भी लगाए हैं, तो आप बता रहे थे कि सिर्फ वो जो सूखे पत्ते होते हैं उसी से कंपोस्ट तैयार करते हैं? बाहर नहीं, बाहर से कोई केमिकल है, नो केमिकल। ये जो नेनुआ फरा आप क्या, बस उसी का जो भी देख रहे हैं, बाहर से कोई केमिकल कोई फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। हाँ। वो सूखे पत्ते का खाद ही काफ़ी है और मेरे पास नीचे में गाय भी है, गाय को गोबर को सुखा करके भी हम लोग खाद बनाते हैं। चलिए चलिए, बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको प्रहलाद जी का टेरेस गार्डन घुमाया, अच्छा गार्डन था, फल फूल सब्जियां तीनों का कॉम्बिनेशन दिखा और फायदे भी बता रहे हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो जल्द शुरू कर दिया, फायदे एक नहीं अनेक हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।